गाइस की ये आवाज निकाल रहा है, खाना इसने अभी खाया था थोड़ी देर पहले। इसको लगता है जितनी बार सो के उठो ना खाना खाते, आ जा सो के उठा है, आ जा। इसने देखा मम्मी खा रही है चोकोज, इसको खुशबू आ गई तो कह रहा है मेरे को भी चाहिए, कुकू करे जा रहा है तब से। हाँ। देख इसे आ गई ना खुशबू, इधर आ जा। नहीं नहीं देना, जल्दी आ, नहीं देना। इसको थोड़ा सा इसका सैटेलाइट दे देती हूँ। दोबारा अभी तो बेटा खाया था इसने। अभी तो खाया था आपने। कैश पर, आ गई ना बात से मेरे। कैश पर आ जा, हेलो कर दे, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो लोगो। बेटू कैश पर, कैश पर। गाइस आपको न्यूज़ तो मिली हुई होगी, जो चाइनीज ऐप्स जो है वो बैन हो गए, ऑफिशियली बैन हो गए हैं। उसमें सबसे ऊपर जो है वो टिकटॉक है। कई लोगों को खुशी है इस चीज़ की, कई लोगों को खुशी है और काफी लोगों को ऑब्वियसली दुख भी है, बिकॉज जो टिकटॉक पर ही जो था स्टार बन गए थे, स्टार भी बन गए थे वो, जिनका जिन्हें ये था कि टिकटॉक से ही वो अपना पूरा जो भी टैलेंट था उनके लिए तो वो एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे आगे भी निकले हैं। बट अगर मैं मानूँ तो मुझे लगता है 10% लोग हैं जो इससे ग्रो करके एक, जैसे वो बंदी है मुझे नाम याद नहीं है, वो छोड़ना सबसे पहले ये देखना कि टिकटॉक से मान लो 10% लोग स्टार बने, लेकिन आधे से अब ऐसी हालत हो गई थी। हाँ, बहुत ही गंदगी थी, अगर सीरियसली बोलो तो बहुत गंदगी थी। अब टिकटॉक में क्या शुरू हो गया था कि मतलब प्लेटफॉर्म ठीक था चलो वो, लेकिन उसमें क्या हो गया, 10-10, 12-12 साल के बच्चे, हाँ, मतलब नदी में अब कुत्ते बह रहे हो उठा उठा गोदी में, है पप्पी, छोटे छोटे बच्चे कुत्ते के बह के जा रहे हैं नदी में, कोई क्या बोलते हैं मूवीज के सीन इनेक्ट कर रहे हैं, अश्लील चीजें हरकतें शुरू हो गई सीन को इतना इजीली वो लोग वो कर रहे हैं कि हाँ वो एक वो था एसिड अटैक का इतना ज्यादा, मतलब बहुत ही आराम से कि बंदा आ रहा है ऐसे उसने ड्रामा कर दिया एसिड अटैक करने का, तो इन चीजों को बहुत मजाक में लिया जा रहा था। तो और दूसरा आप ये खुद भी देखोगे, आपने इतनी वीडियोस है वो कुछ है कुछ भी उल्टे सीधे जो भी वो अपने एक्शंस कर रहे हैं कुछ भी है, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदगी थी, बहुत ज्यादा गंदगी हो जो लोग क्रिएट कर रहे थे। शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था हर एक चीज, लेकिन हाँ, कुछ टाइम में ना बहुत ज्यादा फन वे में चल रहा था, पता है वो ठीक था कि ठीक है एक 15 सेकंड का जो भी है कोई भी गाना है या कुछ भी 15 सेकंड का कंटेंट है, बीच में छोटे छोटे मतलब उस पर गंदगी फैलनी शुरू हुई थी ऐसे की अश्लील हरकतें या कुछ भी, सब लोग एग्री नहीं करेंगे नो डाउट इस पॉइंट से कमेंट में बोलेंगे, लेकिन वो छोड़ो ये हमारा ओपिनियन है और हम लोगों ने भी देखी थी चीजें। नहीं बहुत सा, आप खुद इतनी वीडियो देख, आप खुद बताओ क्या उन वीडियो का कुछ भी लॉजिक है कुछ भी है जो जितना गंदगी वो लोग कर रहे हैं। और ऊपर से अगर हम बात करें क्या बोलते हैं, चलो ये तो पर्सनल चीजें हो गई ओपिनियन हो गए हमारे, लेकिन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है बैन करने का, सबसे मेन रीजन अच्छा है क्योंकि एप्लीकेशन चाइनीज है और चाइनीज लोग ऑलरेडी आपको पता है हैक कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कितनी चीजें उन्होंने हैक करी अपनी एप्लीकेशन, साइबर अटैक करा ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया ने उनको ब्लॉक किया उनकी एप्लीकेशन और उसके खिलाफ इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है वो तो ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया का भी बनता था और इंडिया का तो इसलिए बनता था कि उन्हें बॉर्डर पर जो हरकत हुई है लद्दाख में हुई थी ना, जो बहुत बुरा हाल हुआ है वहां पर, मतलब कि बनता नहीं था। एक खुद ही एक देखा था उसने, एक जो सैनिक था वहाँ पे उसने एक वीडियो डाली हुई थी कि हम लोग वहां जा रहे हैं लड़ाई के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग बॉर्डर पे जा रहे हैं, लड़ेंगे भी मरेंगे भी, तो हम लोग आपके लिए इतना कर रहे हैं, छोटा सा तो ये कर ही सकते हैं। चाइनीज चीजों को रोको, ऐप जो है उनको डिलीट करो भाई अपने अपने बच्चों के फोन से। यहाँ ये बात नहीं हो रही कि टिकटॉक पे क्या कंटेंट बन रहा है क्या नहीं, वो चीज नहीं है, एप्लीकेशन चाइनीज है। और जैसे अब बात करें चाइनीज एप्लीकेशन की, टिकटॉक हो गई, यूसी ब्राउजर, ये सारी 59 एप्लीकेशन बैन कर दी है गवर्नमेंट ने। और यही बात मानो ना, अगर टिकटॉक ऐसा नहीं है कि टिकटॉक पे ही आपका पूरा एंटरटेनमेंट जो है डिपेंड था, बहुत चीज है इंडिया में, बहुत चीज है, ठीक है टीवी है आप लगाओ केबल, बहुत एंटरटेनिंग है यार यूट्यूब, इतना आपके पास कितनी कुछ भी सर्च करोगे आपको हर चीज से रिलेटेड मिल जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा अगर आपको आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जैसे उसमें क्या है कि अगर आपको अब बहुत से लोगों का लग भी रहा होगा ना कि अब क्या करें, मैं खुद जानती हूँ, देखो कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे भी, बिकॉज मैं सबको कंट्रोल नहीं कर सकती, सबकी अपना पर्सनल चॉइस होती है, मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो टिकटॉक यूज कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, बट उनका जो वो है मतलब नॉर्मल वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो नहीं कि गंदगी मचा रहे हैं, नहीं एक गाना आया ठीक है 15 सेकंड आप उस पर परफॉर्म कर, वो एक एक्टिंग के थ्रू कर देते हैं, बस थोड़ा सा ये है कि अब कुछ है कुछ टिकटॉक वाले हैं जो कि हाँ अगर चाहेंगे कि यूट्यूब ज्वाइन करना थोड़ा सा उनके लिए प्लस एक बात बताओ ना कि एप्लीकेशन चाइनीज है, हाँ अगर मान लो एप्लीकेशन आपका फोन यूज करती है क्योंकि बैकग्राउंड में तो आपकी चीज रीड कर रही होती है, अगर मान लो आपका कोई मैसेज रीड कर ले, आपके बैंकिंग डिटेल्स अगर हैक कर ले वो लोग एप्लीकेशन के थ्रू, तो भैया अगर 100 रुपये भी बैंक से डिलीट भी वो डिडक्ट होता है ना 100 रुपये भी, तो वो भी बुरा लगता है। और आप भी बताओ किसको अच्छा लगेगा
कि आपका क्या पर्सनल डिटेल्स शेयर करे कोई, और वो एप्लीकेशन आपको पता है चाइनीज एप्लीकेशन आपका सारा डेटा लीक कर रही पर्सनल थी, यार और ये गवर्नमेंट ने खुद इतने बताया, और बहुत चीजें हैं, तो हम अपनी सिक्योरिटी तो खेल नहीं सकते, और हमारे से भी ऊपर आती है देश की लाइक सिक्योरिटी। आप ये चीज देखो कि हम तो एकदम पूरा धड़ल्ले से उनकी एप्स यूज कर रहे हैं, और आपको पता है वो लोग वहां नहीं, पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं काम कर चुकी हूँ कंपनी के साथ, वहां पर अलाउड नहीं है आपका बिल्कुल ये व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक, इवन गूगल जो इतने बड़े उस पे हाँ है, वो अलाउड अपना उनके यूज खुद के करते हैं इंटरनल वीचैट, है। वीचैट यूज बस करेंगे वहां व्हाट्सएप की स्ट्रिक्टली जगह, बैंड है ये सब जो चीजें फेसबुक है ना। वेसबुक कुछ यूज नहीं करते, हाँ मतलब कि वो लोग तो बाहर के एप्लीकेशन यूज करेंगे नहीं, लेकिन करेंगे अपनी नहीं चाहते ना, हैं कि सारी दुनिया यूज करे, ऐसे नहीं होता। तो ये चीज गवर्नमेंट ने जो टाइम आ गया लिया गाइस है उनको नीचे नीचे लाने का, लाने के, बिकॉज और इंडिया उनको सुपर उठाया भी पावर, इंडिया ने ही है, पता है सुपर उनको पावर तो आदमी। इंडिया हाँ को, इंडिया क्यों नहीं बन सकती, क्यों इतनी नहीं बिल्कुल। आबादी है, हाँ सारा दिमाग मतलब कि सीईओ तक इंडियन बना हुआ है, गूगल का तो गाइस सीईओ देखो, है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन उसकी वीकनेस है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ भी उसकी पॉपुलेशन ही अगर बनेगी। यही लोग दिमाग लगा कि यहीं पर ही टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट लग गया ना, तो 5 साल के अंदर अंदर इंडिया की काया पलट जाएगी, मतलब कि है वो, अलग ही लेवल पहुंच सकती है। तो गाइस रिस्पेक्ट द डिसीजन, और प्लेटफॉर्म अगर टिकटॉक आप भी जैसे, इसमें अगर से आप कुछ अपसेट यूज भी कर हो रहे हो टिकटॉक की ना, तो तरह, अपसेट तो होने की कोई कोई दिक्कत नहीं जरूरत है, नहीं ऐसा कोई है प्लेटफॉर्म आप लोग जो जिन जिनको जरूरत थी टिकटॉक की, तो उनके लिए भाई। ऐसा कोई देखो प्लेटफॉर्म आ ही टैलेंट जाएगा। है आपके अंदर तो कहीं भी करोगे वो चलेगा। टिकटॉक बस एक, टिकटॉक से पहले भी तो कर ही रहे थे ना, ऐसा तो हाँ नहीं टिकटॉक पे आके सीखे हो। ठीक है टिकटॉक पे आप किसी और के गाने पे एक्टिंग कर रहे थे, पर एक्टिंग तो खुद ही कर रहे थे ना, कोई और हाँ तो तो नहीं कोई था और अगर प्लेटफॉर्म आ आपको, जाएगा, तो इंजॉय नई करो चीजें आ टाइम। गई। हाँ और इस टाइम पे बट ना हमारी सिक्योर, हमारे हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है पूरे इंडिया की, हाँ इंडिया का डेटा लीक कर रहे हैं वो, हाँ हैक कर लेंगे आपका अकाउंट, कर दे कुछ कुछ भी हो सकता इस है, हमें टाइम कोई आपको भरोसा नहीं पता चाइना ऑलरेडी पे, जो इकोनॉमी टेंशन है वैसे ही चल रही वो है। डाउन गई है। तो रिस्पेक्ट करो गवर्नमेंट का डिसीजन, और हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, क्यों जाएंगे पहली बात तो, देखो जब मैंने अपने सिक्योरिटी की बात एक आई वीडियो तो। में ऑलरेडी ये चीज बोली थी कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट आ चुके हैं ठीक है, जिनकी पेमेंट हो चुकी है वो खरीदो, बट कुछ भी नया वहां से मत मंगाओ, मत ऑर्डर करो। अगर उनके बिना जैसे मुझे काम चल पता रहा है है तो गर्ल्स में हाँ था शीन, मैंने आज तक उससे वैसे हाँ कुछ शीन मंगाया नहीं, एप्लीकेशन भी बैन हो शीन गई, क्लब था, क्लब फैक्ट्री फैक्ट्री था बैन हो ठीक गई। है, ये थी। हाँ थोड़ा सा है कि हाँ थोड़े सस्ते प्रोडक्ट थे शॉपिंग में, बट भरे पड़े हैं, शॉपिंग साइट्स तो भरी पड़ी है, सर्च करो बहुत है, जरूरी नहीं है कि इतना ज्यादा इतना हो गया ज्यादा है। करें हम, तो चाइनीज एप्लीकेशन को शाम को पता नहीं क्या हो गया है इसको आइसक्रीम खाने के बाद, वही कहते ना कि क्या बोलते हैं, इतनी सी खानी चाहिए आइसक्रीम, खाएगी मैडम कटोरा भर भर के, झूठ बोल रहा है, सर दर्द हो गया, और मेरे आइसक्रीम को मना झूठ कर रही, है। कह रहे तेरे फीवर फीवर सा लग रहा है तो तू मत खा, मेरे हिस्से की भी खुद खा गई, और अब इसकी हालत देखो, सर पकड़ के बैठी है, क्या हो गया, तेज सिर दुख रहा है, बोल ले, सुनाई भी तेरा बेचारों को। मेरा सर दुख रहा है। ओ माय गॉड, वाओ गाइस, इसने अभी टैबलेट लिया पीसीएम और ब्रूफेन मिक्स, ताकि इसके सर में जो दर्द है वो गायब हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं ये रात को गायब होगा, कल ये तक तो तो चले गई, बिल्कुल नहीं, और इस सर दर्द को मुझे झेलना पड़ेगा, तो मेरे को सर दर्द करने वाली है। नींद आ रही है, कलम घर भी जा रहे हैं। कल हम घर भी जाएंगे तो कल का ब्लॉग देखना, मैं अपने ससुराल जाऊंगा, तो पिछली बार गया था 2,000 रुपये का चालान कटा था, अभी कब तक नहीं भरा वसूलने है, जा रहा है? अब मैं जाऊंगा 2,000 रुपये उनसे वसूलूंगा, और ताकि अपना भर सकूँ चालान। और तो कल का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो जरूर देखना उसको, और कैस्पर भी चलेगा, अपना लड़का भी जाएगा, कैस्पर, और कैस्पर वहां भी ऑलरेडी जाएगा, एक और हमारा और एक फ्रेंड और है, कुत्ता है वहां पर, कुत्ता अच्छा, इसका भाई है डॉलर। डॉलर, वो जर्मन शेफर्ड है, वो 3 महीने का है, तो दोनों की जब मिलेंगे तो कैसी हरकतें होती है वो भी जरूर देखना आप कल। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, अभी इसका सर भी दबाना है मेरे को, सारे काम करवाएगी मेरे से उल्टे उल्टे, आज रात ऐसी निकलेगी मेरी मदद मेहनत करते हुए। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट।